चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। पूर्वोत्तर के राज्यों में तूफान का कहर, 4 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। एक जानकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्यों में रविवार को बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय और उत्तर बंगाल में तूफान आया जिससे कुछ हिस्सों में नुकसान हुआ है। दरअसल बीती रात रविवार को पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा, मेघालय और बंगाल में तूफान का कहर देखने को मिला जिसने तबाही मचा दी। वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के कुछ हिस्सों में आए तूफान की वजह से कई झोपड़ियां और मकान क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए। अचानक आए तूफान की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए। महंगाई से राहत, 32 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। खबर सामने आई है 1 अप्रैल आम जनता के लिए महंगाई से राहत लेकर आया है। सरकार की ओर से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। नई कटौती के बाद 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 30.50 रुपए, मुंबई में 31.50 रुपए, चेन्नई में 30.50 रुपए और कोलकाता में 32 रुपए कम हो गए। कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर का रेट 1764.50 रुपए हो गया, पहले ये 1795 रुपए था। आपको बता दें ये कटौती केवल कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए है। सरकार की ओर से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। पीएम मोदी का मुंबई दौरा, आज आरबीआई के 90 साल पूरी होने पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 90 साल पूरी होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल। चलिए जान लेते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। मैच जीतने के बाद भी बुरी तरह फंसे ऋषभ पंत, लग गया 12 लाख रुपए का जुर्माना। आपको बता दें चेन्नई लगातार 2 मुकाबले जीत चुकी थी लेकिन दिल्ली के खिलाफ सीएसके ढेर हो गई। दिल्ली ने महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम चेन्नई सुपर किंग को 20 रनों से मात दे दी है। दिल्ली ने भले ही मुकाबला अपने नाम कर लिया लेकिन फिर भी दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत बुरी तरह फंस गए हैं। मुकाबले के बाद पंत पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि मैच के बाद पंत पर लेट ओवर डालने के लिए जुर्माना लगाया गया है। पंत पर आईपीएल की आचार संहिता के तहत धीमी गति से ओवर डालने के कारण 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाना पड़ा है। इसी सीजन गुजरात टीम के कप्तान शुभम गिल पर भी लेट ओवर करने के लिए जुर्माना लगाया गया था। खास बात यह है कि गिल पर भी यह जुर्माना चेन्नई के खिलाफ मैच के दौरान में ही लगाया गया। हमास युद्ध के बीच अस्पताल में भर्ती हुए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, मोसाद ने जारी की इमरजेंसी सूचना। आपको बता दें हमास के साथ 6 महीने से चल रहे युद्ध के बीच इजराइल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जानकारी साझा की है। आपको बता दें इमरजेंसी में नेतन्याहू को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उनके प्रधानमंत्री पद का दायित्व अब डिप्टी पीएम को दे दिया गया है। हालांकि उन्हें किसी तरह का गंभीर खतरा नहीं है। जानकारी के अनुसार रूटीन चेकअप के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू में हार्निया का पता चला। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं, आतिशी ने ईडी बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। खबर सामने आई है दिल्ली आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा जब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बयान नहीं देता है तब तक उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आतिशी ने कहा जब गवाह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देते हैं तो उन्हें बेल दे दी जाती है। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कई गवाहों के नाम गिनाए। उन्होंने कहा जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है या फिर उन्हें बीजेपी की तरफ से फायदा पहुंचाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बारामती सीट पर ननद बनाम भाभी की लड़ाई, सुप्रिया सुले को चुनौती देने मैदान में उतरी सुनीता पवार। खबर सामने आई है महाराष्ट्र में इस बार के लोकसभा चुनाव में लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। भतीज अजीत पवार के हाथों पहले ही पार्टी गंवा चुके शरद पवार को अब अपने परिवार की परंपरागत सीट बचाने के लिए फिर से भतीजे से लड़ना होगा। दरअसल महाराष्ट्र की बारामती सीट पर पवार परिवार की पकड़ रही है। यह सीट 1996 से लगातार शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के पास रही है। इस बार भी सुप्रिया सुले का यहां से लड़ना तय है। अब इस सीट से अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतार दिया है। मतलब अब बारामती सीट पर लड़ाई ननद बनाम भाभी का होना तय हो गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अपनी कब्र खुद खोद रहे अखिलेश यादव, बोले अजदुद्दीन ओवैसी अतीक से मुख्तार तक का जिक्र कर रही है बात। खबर सामने आई है आल इंडिया मजलिसत इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओवैसी ने सांसद एसटी हसन का टिकट काटने को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा अखिलेश यादव अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे हैं। उन्होंने एसटी हसन का टिकट काटा, रामपुर में जो हुआ वो देख लीजिए। मुख्तार अंसारी पहले नहीं है जिनके साथ ये हुआ है, इसके पहले भी कितने हैं जिनको मारा गया। सीरीज बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। साइमन हैरिस बनने जा रहे आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री।
तस्वीर बदल सकती है देश की तस्वीर। आपको बता दें आयरलैंड की तस्वीर अब बदल सकती है क्योंकि यहां लियो वराडकर के इस्तीफे के बाद देश की कमान युवा हाथों में सौंपी जा रही है। भारतीय मूल के साइमन हैरिस प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अग्रसर हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हैरिस गवर्निंग फाइन गेल पार्टी के नए नेता के रूप में चुने जाने के बाद अब वह देश के सबसे कम उम्र के पीएम बनने के लिए तैयार। पहले हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, अब आयकर विभाग ने थमाया 1700 करोड़ का नोटिस, कांग्रेस को डबल झटका। खबर सामने आई है, कांग्रेस पार्टी को गुरुवार को पहले दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा, उसके बाद आयकर विभाग ने मुश्किलें बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को लगभग 1700 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी की आर्थिक चिंताएं भी बढ़ गई हैं। आयकर विभाग की नई मांग 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए, इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल है, यह राशि और बढ़ने के आसार है। आयकर विभाग 2021-22 से लेकर 2024-25 की आय का पुनर्मूल्यांकन करने का इंतजार कर रही है। इसकी कटऑफ तिथि रविवार तक पूरा हो जाएगा। कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि पार्टी कानूनी चुनौती को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने आयकर विभाग की इस कार्यवाही को अलोकतांत्रिक और अनुचित करार दिया है। क्रिप्टो किंग सैम बैंकमैन फ्राइड को कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा, अरबों डॉलर के FTX धोखाधड़ी का है मामला। एक जानकारी के मुताबिक FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन फ्राइड को कोर्ट ने दिवालिया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ग्राहकों से $8 बिलियन की चोरी करने के लिए गुरुवार को 25 साल की जेल की सजा सुनाई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज लुइस कप्लान ने मैनहट्टन अदालत की सुनवाई में बैंकमैन फ्राइड के इस दावे को खारिज कर दिया कि FTX ग्राहकों ने वास्तव में पैसे नहीं खोए और उन पर मुकदमे की गवाही के दौरान झूठ बोलने का आरोप लगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां शेख को किया गिरफ्तार, बशीर हाट जेल में पूछताछ के बाद करी कार्रवाई। खबर सामने आई है, प्रवर्तन निदेशालय ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। बशीर हाट जेल में पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। शेख शाहजहां को PMLA मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले शनिवार को संदेश खाली में जमीन हड़पने के मामले में शाहजहां शेख से बशीरहाट जेल में पूछताछ की गई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बशीरहाट कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ईडी अधिकारियों की एक टीम ने जेल के अंदर उनसे 4 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न, राष्ट्रपति ने घर जाकर किया सम्मानित, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। आपको बता दें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को रविवार 31 मार्च को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के निवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। निर्मला सीतारमण का दावा, मार्च तिमाही में GDP वृद्धि दर रहेगी 8%। आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% या इससे ज्यादा रह सकती है। मुंबई के फाइनेंशियल हब में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने यह दावा किया है। गौरतलब है कि कई रेटिंग एजेंसियां भी भारतीय अर्थव्यवस्था को दमदार बता चुकी हैं। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भी भारतीय GDP के ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कब्र में नाखून भी बचा रहा तो खोल देगा राज, अफजाल का बड़ा दावा, जहर से हुई मुख्तार की मौत। खबर सामने आई है, मुख्तार अंसारी की मौत को साजिश करार देते हुए उनके भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्तार की मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि एक साजिश है। अफजाल ने कहा कि कई लोग समझ रहे हैं मुख्तार की कहानी खत्म हो गई, वे गलत फहमी में हैं। मुख्तार के शव को जलाया नहीं दफनाया गया है, उनका एक भी नाखून सलामत रहा तो साबित कर देगा कि उसे जहर दिया गया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आतंकी हमले के बाद रूस की दो टूक, कहा भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निभाएंगे बड़ी भूमिका। आपको बता दें आतंकवाद पूरे विश्व के लिए गंभीर खतरा है, रूस भी अब आतंक के खिलाफ लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपो ने शनिवार को कहा कि उनका देश भारत और अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। रूसी राजदूत की यह टिप्पणी 22 मार्च को रूस की राजधानी मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद आई है। रूस में हुए इस हमले की विश्व भर में निंदा हुई। बाबर आजम को फिर से मिली वनडे और T20 आई प्रारूप की कप्तानी। एक जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी बाबर आजम को फिर से वनडे और T20 आई प्रारूप का कप्तान नियुक्त किया गया है। बाबर ने 2023 वनडे विश्व कप की समाप्ति के बाद सभी प्रारूपों में पाकिस्तान के कप्तान के रूप में अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी थी, लेकिन PCB ने मोहसिन नकवी की अध्यक्षता में उन्हें फिर से टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। ने भी भारतीय GDP के ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कब्र में नाखून भी बचा रहा तो खोल देगा राज, अफजाल का बड़ा दावा, जहर से हुई मुख्तार की मौत। खबर सामने आई है, मुख्तार अंसारी की मौत को साजिश करार देते हुए उनके भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्तार की मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि एक साजिश है। अफजाल ने कहा कि कई लोग समझ रहे हैं मुख्तार की कहानी खत्म हो गई, वे गलत फहमी में हैं। मुख्तार के शव को जलाया नहीं दफनाया गया है, उनका एक भी नाखून सलामत
रहा तो साबित कर देगा कि उसे जहर दिया गया। इसी बीच